नमस्कारम। आज की चर्चा में कुछ अंधभक्तों ने कहा है कि आप इन बाबाजियों के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो, वो ईश्वर का रूप होते हैं और हमारे यहाँ तो बाबाजियों में तो ईश्वर देखते ही हैं, हमारे यहाँ तो कुत्ते में भी भगवान देख लेते हैं। आप बहुत नेगेटिव हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आप नेगेटिव हैं जो आपको इनमें ईश्वर दिखाई नहीं देता। मैं कहना चाह रहा हूँ इस बारे में कि सही कहा, तुम्हारी बहिर्मुख बुद्धि ने इन बाबाजियों में ईश्वर ढूंढते ढूंढते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, यहाँ तक कि तुम ईश्वर को ढूंढते ढूंढते कुत्ते तक पहुँच गए। कुत्ते में तुम्हें ईश्वर नजर आता है लेकिन तुम्हें खुद में ईश्वर नजर नहीं आता, तुम खुद तक नहीं पहुँचे, कुत्ते तक पहुँच गए। खुद तक इसका मतलब कि तुम कुत्ते से गए गुजरे हो, और खुद तक पहुँच गए होते तो बाबा जियों में और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और इन कुत्तों में तुम्हें ईश्वर ढूंढने की जरूरत ना पड़ती। अब आज का एक प्रश्न है कि शारीरिक और मानसिक ये इतने रोग बढ़ रहे हैं, इनका बढ़ने का कारण क्या है और इनका निवारण क्या है। तो शारीरिक और मानसिक जो रोग बढ़ रहे हैं उसका प्रमुख कारण है जो हमारा भीतर ऊर्जा शरीर है, ये भौतिक शरीर है, इसके भीतर ऊर्जा शरीर है, उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अनाप शनाप तरीके से हो रहा है। ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित नहीं हो पा रही है, जगह जगह ब्लॉकेज हैं उसमें, इसलिए ऊर्जा शरीर की बीमार होने से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जैसे घर में लाइट की फिटिंग होती है, उसमें जगह जगह पॉइंट बने रहते हैं, वहाँ से विद्युत की धाराएं ट्रांसफ़र हो जाती हैं इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। अगर उन वायरों में वोल्टेज सही तरीके से प्रवाहित ना हो, एक निश्चित मात्रा का वोल्टेज प्रवाहित ना हो, तो क्या होगा, लाइन फॉल्ट हो जाएगी। कभी ऐसा जूता पहना है जो पैर में फिट नहीं आता? कभी कभी कोई जूता पैर में फिट नहीं आता है तो अंगूठे को काटता है वो और बहुत दर्द देता है क्योंकि पैर उसमें फिट नहीं आता। वैसे ही ये हमारा जो शरीर है ये जब उस ऊर्जा शरीर में फिट नहीं आता, ऊर्जा अनाप शनाप तरीके से उल्टे तरीके से बह रही है और हमारा भौतिक शरीर अलग तरीके से है और इन ये दोनों एक स्थिति में नहीं है, दोनों अलग अलग स्थिति में हैं, तो इस वजह से द्वंद्व पैदा होता है और द्वंद्व पैदा होने से ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे एनर्जी बह रही है, अब उसको बहने को कहीं जगह नहीं मिली, कहीं कहीं पे ब्लॉकेज पड़ रहे हैं, तो फिर वो वहाँ से बहने की कोशिश करेगी और नई जगह मिलेगी तो उस शरीर के उस अंग में एनर्जी का प्रवाह प्रॉपर नहीं होने से वहीं पर जहाँ उसका प्रवाह रुक रहा है वहाँ पर इस शरीर में रोग प्रकट होगा, क्योंकि इस शरीर में रोग जो भी रोग है वो होता भीतर है ऊर्जा शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, और प्रकट इस शरीर पर होता है, तो वहाँ ब्लॉकेज होने से इस शरीर पर वो लक्षण उसके प्रकट होने लगते हैं। तो हमें उस एनर्जी को मेंटेन करना है, उस एनर्जी के प्रवाह को बिल्कुल एक स्थिति में लाना है कि अनाप शनाप तरीके से ना बहे। कहीं घर में बिजली बह रही है 400 वाट, कहीं आ रहे हैं 200 वाट, कहीं कुछ, तो फिर क्या होगा, लाइन फॉल्ट हो जाएगी। ऐसे ही लाइनें फॉल्ट होती रहती हैं और वो रोगों के रूप में इस शरीर पर प्रकट होती रहती हैं। तो इस
एनर्जी शरीर को, ऊर्जा शरीर को मेंटेन कर लेना ही योग है। शरीर को तोड़ मड़ोर कर देना, विभिन्न तरीके से ट्विस्ट कर देना, ऐसा हाथ कर देना, वैसा पैर कर देना, ये फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन ये योगा नहीं है। और इसे कराने वाले ट्रेनर हो सकते हैं, उन्हें हम ट्रेनर कह सकते हैं, फिजिकल ट्रेनर, लेकिन उन्हें अगर तुम परमहंस मान लो, उन्हें आध्यात्मिक गुरु मान लो, बाबा जी मान लो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वो फिजिकल, अगर ये सब करने से, शरीर को इधर उधर मोड़ने से कोई बुद्ध हो जाता, तो ये जारे जितने सर्कस वाले हैं, सर्कस करने वाले हैं, करतब दिखाने वाले हैं, सब बुद्ध हो गए होते। तो ऊर्जा शरीर को मेंटेन कर लेना, उसकी एनर्जी को नियंत्रित कर लेना, ये योगा है। इसके भी फायदे हैं, भौतिक एक्सरसाइज करोगे तो इसके फायदे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिस योगा की बात की है भगवान कृष्ण ने गीता में 6वें अध्याय में, वो एनर्जी को मेंटेन करके उस परम तत्व से जोड़ लेना है। तो विदेशों में ऐसे बहुत सारे परमहंस हैं जिन्हें पागल समझ लिया जाता है, वो बातें करते हैं, ऐसी समझ नहीं आती उनकी, और अपने यहाँ बहुत सारे पागल हैं जिन्हें परमहंस समझ लिया जाता है। तो उस एनर्जी पर हमें काम करना है, और हम काम कहाँ कर रहे हैं, हम अपना पूरा जीवन, जो हमारा बाहरी मन है, जो हमारा चेतन मन है, उसमें पूरा जीवन जी करके निकाल देते हैं, बस चेतन मन में। और चेतन मन क्या है, जैसे एक पेड़ है, उसके पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, ऊपरी भाग, लेकिन अगर तुम्हें उस पेड़ को हरा भरा करना है, उस पेड़ की पत्तियों को चमकाना है, तो उसकी जड़ों पर काम करना होगा, उसकी जड़ों में पोषण देना होगा। लेकिन हम पूरा जीवन पेड़ के पत्तों पर पानी देने में निकाल देते हैं, तो क्या होता है, सूख जाता है। तो एक ये बाहरी चेतन मन है, और भीतर अचेतन मन है, उसकी शक्तियाँ अद्भुत हैं, सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो प्रेम आनंद मोहन सब वहीं से वहीं है, वही स्रोत है। तो अगर कुछ करना है, बाहरी जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, तो हमें अपने भीतर उतरकर उन जड़ों पर काम करना होगा। लेकिन हमने चेतन मन से कह दिया कि क्रोध नहीं करना है, चेतन मन में हमने कह दिया क्रोध नहीं करना है, वासना नहीं करनी है, मोह नहीं करना है, और अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ दबा पड़ा है, वो प्रकट होता है। तुम बाहर से इस चेतन मन को पाठ पढ़ा देते हो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन वो जो भीतर दबा पड़ा है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध प्रकट होता है, तो जो सिखाता है उसे क्रोध नहीं करना है, कभी कभी उसी में चटाक दे देता है गाल में, हमें बताओगे क्रोध नहीं करना। और ऊपर से हमें ये सिखाया जा रहा है, ये नहीं करना, ये नहीं करने का, वो भीतर वो सारे संस्कार भरे पड़े हैं क्रोध के, वासना के, तो द्वंद्व पैदा होता है। इधर से ये प्रेशर कि ये नहीं करना, उधर से वो भीतर भरे पड़े हैं, वो अपने आप करवाते हैं, अपने आप निकलते हैं, तो इस द्वंद्व में आदमी खंडित हो जाता है। चेतन और अचेतन, इन दोनों को विपरीत इंस्ट्रक्शन जब दिए जाते हैं, वहां तो है ही, वहां तो कुछ देना ही नहीं, वहां तो जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन इधर से ये सिखाया जा रहा है, उधर से वो भरा है, उस पे काम किया नहीं, उसको निकाला नहीं, और उसी से ये सारे रोग उपज रहे हैं। उस द्वंद्व में आदमी जीता है तो भयंकर तनाव, आदमी बैठा है, अपने आप उसके शरीर में ऐसा उसे तनाव महसूस होता है, अपने आप दुखद तरंगे भीतर से निकलती हैं, पूरा शरीर दुख की तरंगों से भर जाता है। कुछ लोग जो इसको दबाते हैं, प्रकट नहीं होने देते, ये कैंसर, ये थायराइड, ये जो डायबिटीज, ये सारी बीमारियां उस द्वंद्व से ही तो पैदा हो रही हैं। इनको अभी तक खत्म करने की दवा नहीं बनी,
थोड़ा सा रोकथाम करने की दवा बनी है। खत्म तो ये होती नहीं, क्योंकि वो जो भीतर ऊर्जा शरीर है उस पर काम करना नहीं आया अचेतन मन में जाके, तब तक इन बीमारियों का, मानसिक और शारीरिक बीमारियों का हम इलाज करना नहीं सीख पाएंगे। तो आई एम नॉट ए मोटिवेशनल, आजकल एक मोटिवेशनल का और वो चल रहा है सीजन, तो मैं टोटिवेशनल हूँ। मतलब टोंटी अगर आप पानी टंकी से ला रही है तो, और इसमें टोंटी समझ ले कि ये पानी मेरा है, मैं पानी हूँ, मैं पानी की देवी हूँ, मैं ही पानी की सब कुछ हूँ, तो टोंटी की मूर्खता है। ऐसे ही जो स्रोत से आ रहा है उसको आप तक पहुँचाना मेरा काम है। मैं टोटिवेशनल हूँ, ना मोटिवेशनल हूँ, ना धर्मगुरु हूँ। तो इस एनर्जी पर काम करने के भी बहुत इजी वे हैं कि इस एनर्जी को पूरे शरीर में ये फ्लो होती रहे, पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से फ्लो कैसे हो, इसके छोटे छोटे से उपाय हैं। कुछ बड़ा उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं। यदि थोड़ा सा अभ्यास किया जाए, दिन में जब भी टाइम मिले, जब भी कहीं भी बैठे हैं, एनीवेयर, आपको सीधी कमर, ये रीढ़ की हड्डी से ही एनर्जी यूनिवर्स से आती है और पूरे बॉडी में प्रवाहित होती है। यूनिवर्सल एनर्जी दिन रात हमें मिल रही है और रीढ़ की हड्डी को एक स्थिति में रखने पर और गर्दन सीधी करके बैठने पर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप जो मैं बताऊं वो, मैं कोई धर्मगुरु नहीं, कोई मोटिवेशनल नहीं, कोई सेल्फ रियलाइज्ड नहीं, जो मैं बताऊं आप उसे करके देखें। इतने साल इतने लोगों के सानिध्य में रह रहे करके, इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में घूम करके समय गंवा दिया, तो 10-15 दिन और सही। आप 30 दिन में थोड़े थोड़े प्रयोग सांसों के और अपने उठने बैठने और चलने के, इनको बदलने मात्र से जीवन ना बदलने लगे तो आप कह देना। हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम हाथ कैसे रखते हैं, हथेलियों को ऐसे जंघाओं पे रखने से, इस तरीके से रखने से तुम्हारी सांस की गति अलग होती है। बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ के देखना, और जब तुम इनको ऐसे रखते हो तो तुम्हारे सांस लेने की गति अलग होती है। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी की हर एक क्रिया तुम्हारी एनर्जी को प्रभावित कर रही है। तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।